नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए थे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, जिसके पहले भाग में हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का रसा स्वादन कराया था। और अब हम इसी कथा की अगली कड़ी के दूसरे भाग में लेकर आए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम आपको इसी प्रकार आध्यात्मिक कथाओं को अपने चैनल के माध्यम से सुनाकर आध्यात्म की रसधारा का आनंद आपको दिलाते रहें। तो लीजिए सुनिए दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के दूसरे भाग में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदीक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो वो स्थूल थे और दूसरा उनका वाहन मूषक था। भला वो दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे करते? लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का उपाय खोज निकाला। उन्होंने सामने बैठे माता पिता का पूजन किया और उनकी 7 प्रदीक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदीक्षिणा का कार्य पूर्ण किया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय लौटे, तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से ये प्रख्यात हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का एक कारण ये भी है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति होती है। दैहिक दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं।